chemistry class of class 9. Today I am going to start the next topic of the first chapter. Topic is the reign of terror. आज का जो टॉपिक है वो रेन ऑफ टेरर है कि आखिर फ्रांस में रेन ऑफ टेरर कैसे स्टार्ट हुआ. चलिए देखते हैं. एक्चुअली द पीरियड फ्रॉम 1793 टू 1794 इज कॉल्ड द टाइम ऑफ रेन ऑफ टेरर इन द फ्रांस. जो 1793 है और 1794 है यह टाइम रेन ऑफ टेरर के नाम से जाना जाता है क्योंकि इस समय वहां पे एक रूलर था जो कि रूल कर रहा था जिसका नाम क्या था रॉबेसपियर. ही वाज रूलिंग एंड फॉलोड अ न्यू पॉलिसी बाय विच बाय दैट ही ब्रिंग द नंबर्स ऑफ द चेंजेस एंड बिकॉज ऑफ दैट मेनी पीपल्स गेटिंग द प्रॉब्लम. नाउ शी व्हाट हैपेंड. रॉबेसपियर फॉलोड अ पॉलिसी टू सेवर कंट्रोल एंड पनिशमेंट. एक्चुअली व्हेन रॉबेसपियर केम इनटू द पावर आफ्टर दैट ही ब्रिंग अ न्यू पॉलिसी टू कंट्रोल द कंट्री. व्हाट वाज हिज पॉलिसी. एक्चुअली ही ब्रॉट अ न्यू पॉलिसी दैट वाज दोज पीपल हु वेयर थॉट अगेंस्ट द कंट्री. Those people who were having a different thought against the country. इसका मतलब यह था कि जो भी लोग देश के प्रति नहीं सोच रहे थे उसे ऐसा लग रहा था जैसे रॉबेसपियर को अगर ऐसा लग रहा था कि जो लोग देश के प्रति नहीं सोच रहे हैं रिपब्लिक के प्रति नहीं सोच रहे हैं दे आर नॉट एबल टू लीव इन द कंट्री. वो देश में रहने के योग्य नहीं है. सो दैट He arrested to the peoples. So he started to arrest the peoples. किन लोगों को अरेस्ट करता था. तो he arrest the peoples like the ex nobleman and clergy person and politicians and even those who were belonging to his party. They were also arrested. उनको भी अरेस्ट किया जाता था. Okay. And after arrest that peoples, what he has done? All those who saw as being enemies were arrested and tried to revolutionary tribunal. कहने का मतलब कि जो लोग पकड़े गए जिन लोगों को पकड़ रहा था as the peoples were recognized as the enemy of the country and as they arrested after arresting he was put them into the prison and revolutionary tribunal was done. कहने का मतलब उसके खिलाफ एक विद्रोह का मुकदमा चलाया जाता था और विद्रोह का मुकदमा चलाने के बाद उस व्यक्ति को पनिशमेंट दिया जाता था. बट व्हाट काइंड्स ऑफ पनिशमेंट वाज गिवन टू दैट पर्सन. नाउ सी एक्चुअली द पनिशमेंट वाज गिवन बाय अ डिवाइस कॉल्ड गुलेटिन. एक्चुअली दैट पनिशमेंट वाज गिवन बाय अ डिवाइस कॉल्ड गुलेटिन. ठीक है. गुलेटिन क्या है. गुलेटिन एक प्रकार का डिवाइस था. ठीक है. इन्होंने रॉबेसपियर के समय में ऐसा माना जाता था कि द पनिशमेंट शुड बी गिवन टू द पीपल एंड दैट शुड नॉट गिव मोर पेन टू द प्रिजनर. ठीक है. जो भी व्यक्ति जिसको कि एक्सक्यूट किया जा रहा है जिसको सजा दिया जा रहा है उस व्यक्ति को ज्यादा तकलीफ ना हो है ना. तो उसके लिए एक नया सिस्टम लाया गया पनिशमेंट का और वो क्या था. गुलेटिन है ना. गुलेटिन एक डिवाइस था उसके द्वारा पनिशमेंट दिया जाता था. ये डिवाइस कैसा होता था. नाउ यू सी गुलेटिन डिवाइस कंसिस्टिंग ऑफ टू पोल्स. इसमें क्या होते थे. इसमें दो पोल लगे हुए थे इस तरीके से. दो पोल होते थे है ना. दो पोल होते थे इस तरीके से एंड ब्लेड. और क्या होता था. बीच में यहां पे एक ब्लेड इस तरीके से ब्लेड रखा जाता था. ठीक है. और यहां बीच में क्या होता था. यहां बीच में व्यक्ति के सिर को लगाया जाता था और ये जो ब्लेड होता था यह रस्सी से जुड़ा हुआ था. इस ब्लेड को छोड़ने के बाद जो व्यक्ति जिसको सजा दिया जाता था उसके गले को यहाँ पे मतलब जो गला होता था उस गले को मतलब नेक कह सकते हैं. जो नेक होता है जो गला होता था उस गले को यहाँ पे गले के बाल मिटा दिया जाता था एंड इस ब्लेड को छोड़ दिया जाता था और यह ब्लेड जाकर के उसके गले को सिर से अलग कर देता था. ठीक है. तो इस तरीके का डिवाइस का प्रयोग किया जाता था पनिशमेंट देने के लिए ड्यूरिंग दी रेन ऑफ रॉबेसपियर एंड दिस डिवाइस वॉज इन्वेंटेड बाय द डॉक्टर गुलेटिन. यह डिवाइस इसके द्वारा इन्वेंट किया गया था डॉक्टर गुलेटिन के द्वारा. सो दैट इट बिकेम अ वेरी फेमस बाय द नेम ऑफ गुलेटिन डिवाइस. ओके. इस पनिशमेंट के अलावा यानी कि इस नए सिस्टम के अलावा जो सेवर कंट्रोल पनिशमेंट था
जो सेवर कंट्रोल पनिशमेंट सिस्टम था, इस सिस्टम के अलावा रॉबेस्पियर जो था उसके गवर्नमेंट, रॉबेस्पियर जो गवर्नमेंट था वो कुछ नए कानून बनाए, नए लॉ बनाए, क्यों? टू ब्रिंग द चेंजेस, टू ब्रिंग द चेंजेस, है ना, मतलब कि फ्रांस में कुछ परिवर्तन लाने के लिए कुछ और नए कानून बनाए गए, नए लॉ बनाए गए. ओके, बिकॉज रॉबेस्पियर वांट टू ब्रिंग इक्वेलिटी इन द कंट्री. ओके, रॉबेस्पियर वांटेड टू ब्रिंग इक्वेलिटी इन द कंट्री, सो ही हिज गवर्नमेंट इशूड लॉज, ओके, टू ब्रिंग द चेंजेस. नाउ सी, मैक्सिमम सेलिंग ऑन वेजेस एंड प्राइसेस, मैक्सिमम सेलिंग ऑन वेजेस एंड प्राइसेस, कहने का मतलब कि जो मजदूरी लोगों की होती थी या जो गुड्स के प्राइस होते थे, दैट हैज बीन फिक्स्ड, दैट हैज बीन फिक्स्ड. व्हाई दैट हैज बीन फिक्स्ड? एंड दैट रेट वाज फिक्स्ड नॉट फॉर द ओनली पुअर, दैट हैज बीन फिक्स्ड फॉर एवरी पीपल. एंड दैट वेजेस, व्हाट हैज बीन फिक्स्ड? दैट वाज मैक्सिमम सेलिंग प्राइस, दैट वाज द मैक्सिमम सेलिंग प्राइस. बट दैट सेलिंग प्राइस हैज बीन नॉट मेड बाय द प्रोड्यूसर, that price has been decided by the government, okay, and that price was not very high, okay, price ko zyada high nahi rakha gaya taki jo gareeb hai wo bhi mazdoori prapt kar sake aur price ko prapt kar sake, yani mazdoori to ho sakta hai kuch zyada ho, lekin price jo goods ke hote the, that was fixed because the goods could be bought by the every people. Meat and bread were rationed, that because that could reach to the every people. ओके, सारे लोग मीट और ब्रेड को प्राप्त कर सके. ठीक है, पीसेंट्स वेयर फोर्स टू सेल देयर ग्रेन्स एट अ फिक्स्ड प्राइस. ओके, मींस व्हाट? फर्स्ट पीसेंट्स वेयर फोर्स टू ब्रिंग देयर ग्रेन्स इनटू द सिटीज, इनटू द मार्केट, देन दे नीड टू सेल देयर ग्रेन्स एट द फिक्स्ड प्राइस. दैट फिक्स्ड प्राइस वॉज नॉट फिक्स्ड बाय द peasants, that was fixed by the government. Next is, white food was forbidden. Actually, what happened in the France? France में होता क्या था कि जो nobles होते थे, जो nobles होते थे या जो clergy person होते थे या जो rich people होते थे, वो white flour का bread खाते थे, है ना? White flour bread खाते थे. लेकिन बाद में क्या हुआ कि जब Robespierre का गवर्नमेंट पावर में आया, तो उस समय क्या हुआ, व्हाइट जो फ्लोर था, दैट हैज बीन फॉरबिडन, दैट हैज बीन स्टॉप्ड, टोटली उसको बंद कर दिया गया. ठीक है, और अब क्या डिसाइड किया गया कि एवरीवन विल यूज द सिंपल फ्लोर. ओके, साधारण जो फ्लोर होता है, जो गेहूं के आटे होते हैं, दैट विल बी यूज बाय द एवरी पीपल. ओके, इंस्टीड ऑफ ट्रेडिशनल मॉनिशर एंड मैडम, ऑल फ्रेंच मैन एंड वुमेन कॉल सिटोन एंड सिटोन. पहले क्या होता था कि जैसे मान लीजिए कि जो लोग सर हैं, जो लोग रिच हैं, है ना, जो लोग नोबल्स फैमिली से बिलोंग करते हैं, उनको सर और मैडम कहा जाता था. बट लेटर ऑन रॉबेस्पियर मेड अ पॉलिसी दैट कुड ब्रिंग द इक्वालिटी इन द कंट्री, एंड ही वाज आल्सो ब्रिंग दैट इक्वालिटी ओनली नॉट इन द गुड्स एंड वेजेस एक्सेट्रा, ही वाज आल्सो ब्रिंग द इक्वालिटी इन स्पीच आल्सो. ओके, वह बातचीत की भाषाओं में इक्वालिटी लाने का प्रयास किया. एंड सो दैट ही स्टॉप्ड टू यूज द मॉनिशर एंड मैडम, इंस्टीड ऑफ दिस वर्ड द पीपल्स वे आर फोर्स टू यूज द वर्ड सिटोन एंड सिटोनी. सिटोनी, सिटोन एंड सिटोनी इज व्हाट? सिटीजन्स. ओके, एवरी मैन एंड वुमेन विल बी कॉल्ड एज द सिटीजन इन द कंट्री. दिस प्लान हैज बीन ब्रॉट बाय द रॉबेस्पियर. ओके, नेक्स्ट इज Robespierre's government issued law to bring equality in the sphere. Next, now see. Churches were shut down and their buildings converted into barracks of offices. Actually, what happened? Actually, numbers of the churches were opened up. And you have seen in the previous topics that the church, the priest of the church, okay, who are known as the clergy man, were imposing tax on the peoples. So what happened? As Robespierre made their government and to bring the law, in that he also made a policy to shut down the church. Church ko total kya kiya?
बंद कर दिया गया, चर्च बंद कर दिया गया, और उस चर्च से संबंधित जो बिल्डिंग्स होते थे उस बिल्डिंग को क्या किया गया, ऑफिस बना दिया गया, बैरक ऑफिस बना दिया गया। ठीक है, ठीक है, जो बिल्डिंग्स थे चर्च के उसको क्या बना दिया गया, ऑफिस बना दिए गए, गवर्नमेंट ऑफिस बना दिए गए। एंड नेक्स्ट इज व्हाट, रॉबेस्पियर परस्यूड हिज पॉलिसी सो रिजिडली ओके दैट हिज सपोर्टर्स बिगिन टू डिमांड मॉडरेशन। एक्चुअली व्हाट हैपेंड, जो रॉबेस्पियर ने पॉलिसी बनाया कि लोगों को क्या अरेस्ट किया जाए, ठीक है, जो कि रिपब्लिक के खिलाफ सोच रहे हैं या जो रिपब्लिक के खिलाफ बोल रहे हैं उन लोगों को अरेस्ट किया जाए, फिर उन लोगों को जेल में रखा जाए, फिर उनके खिलाफ केस किया जाए, ठीक है, और जब न्यायालय के द्वारा उसे अरे दोषी ठहराया जाए तो उस व्यक्ति को पनिशमेंट दिया जाए, और वो इतना खतरनाक था, जो पनिशमेंट देने का प्रक्रिया था वो इतना खतरनाक था कि आपने देखा कि उसको गुलेटिन से ब्लेड सर को ब्लेड से काट दिया जाता था। तो इस प्रकार का जो प्रक्रिया था दैट वाज वेरी रिजिड, एंड इवन ही आल्सो ब्रिंग द इक्वालिटी यू हैव सीन ही फिक्स द वेजेस, ही फिक्स द वेजेस एंड ही आल्सो फिक्स द प्राइस ऑफ गुड्स ओके एंड ही राशन द मीट एंड ब्रेड एक्सेट्रा। वन पॉलिसी ही ब्रॉट दैट वाज ही परस्यूड दैट वाज ही मेड सो रिजिडली। एक्चुअली वो जो पॉलिसी बनाया वो इतना रिजिडली बनाया कि दैट वाज नॉट गुड फॉर एवरी पीपल्स। नाउ द पीपल स्टार्टेड टू पुट द डिमांड टू मॉडरेशन, मतलब लोगों ने डिमांड किया कि उसमें परिवर्तन लाना जरूरी है। ठीक है, जो रॉबेस्पियर ने पॉलिसी लाया लोगों का डिमांड था कि उसमें परिवर्तन लाना जरूरी है। ठीक है, बाद में क्या होता है कि इस विभिन्न प्रकार की जो प्रक्रिया है आपने देखा, जो कि इक्वलिटी लाने का प्रक्रिया या जो पनिशमेंट देने का प्रक्रिया था, इस तरीके की प्रक्रिया लोगों के लिए सुटेबल नहीं थी। बिकॉज ऑफ दैट ही कन्विक्टेड बाय कोर्ट इन जुलाई 1794, अरेस्टेड एंड गुलेटिन। ठीक है, कहने का मतलब कि जुलाई 1794 को कोर्ट के द्वारा उसे अपराधी घोषित कर दिया गया। ठीक है, रॉबेस्पियर को अपराधी घोषित कर दिया गया और उसको अरेस्ट किया गया। अरेस्ट करने के एक दिन बाद आफ्टर वन डे ही आल्सो गॉट द पनिशमेंट बाय द डिवाइस कॉल्ड गुलेटिन, बुलेटिन डिवाइस से उसको भी पनिशमेंट दिया गया। As you have seen that the Jacobian powers stop after the death of Robespierre. Now, as Robespierre died, after that what happened? Now see. Now we will know about the directory which was found in the France. हम लोग जानेंगे कि जो directory है वो जो found किया गया था France में Robespierre की death के बाद, आखिर उसमें क्या हुआ देखते हैं। After Jacobian government fall, when the Jacobian government fall, after that wealthier middle classes control the power of the country. जैसे ही Robespierre की डेथ होने के बाद जो वेल्दियर मिडिल क्लास पीपल थे, वेल्दियर मिडिल क्लास पीपल्स मतलब कि जो रिच पीपल्स थे, मिडिल क्लास में मिडिल क्लास को बिलोंग करते थे, जो कि लिटरेट पीपल्स थे एंड दोज वेयर रिच ओके दे टू द कंट्रोल ऑफ द कंट्री इन देयर हैंड। नाउ दे स्टार्टेड टू कंट्रोल द कंट्री ओके। आपने क्या डाउट करना जी, न्यू कॉन्स्टिट्यूशन इंट्रोड्यूस्ड। अब क्या किया गया, जो वेल्दियर मिडिल क्लास के पीपल है इन्होंने एक नया सिस्टम इंट्रोड्यूस किया, एक नया नियम इंट्रोड्यूस किया, एक नया कॉन्स्टिट्यूशन इंट्रोड्यूस किया एंड डिनाइड द वोट टू द नॉन प्रॉपर्टी सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। और उसमें इन्होंने क्या अधिकार दिया, गिव द वोट दोज पीपल डू नॉट हैव अ प्रॉपर्टी दैट पीपल कैन नॉट गिव द वोट। दिस सिस्टम वॉज ब्रिंगिंग बाय द वेल्थियर मिडिल क्लास। दिस सिस्टम वॉज ब्रिंग बाय द This system brought by the wealthier middle class. Okay, now see. As you have seen, Robespierre, जैसा आपने देखा कि जो Robespierre थे, as he came into the power, okay, he was the leader of Jacobin Club. As he came into the power, he took control the country by itself. He passed the numbers of the rules and regulation.
he passed the numbers and the rules and regulation for giving the punishment to bring and to bring the equality in the country. And because of that, you have seen the people's got a problem. So that problem do not come again. Okay, वह problem दोबारा ना आए, इसलिए ये जो wealthier middle class, इन्होंने जो नए constitution बनाए, इस नए constitution में के द्वारा इन्होंने क्या किया, two elected legislative council बनाया गया है ना, इनके द्वारा two elected legislative council बनाया गया. और ये जो टू इलेक्टेड लेजिस्लेटिव काउंसिल थे, दे आर अपॉइंटेड डायरेक्टली, दे अपॉइंटेड डायरेक्टली, दे अपॉइंटेड डायरेक्टली, हु अपॉइंटेड डायरेक्टली, टू इलेक्टेड लेजिस्लेटिव काउंसिल, टू इलेक्टेड लेजिस्लेटिव काउंसिल. ठीक है, ये जो दो इलेक्टेड लेजिस्लेटिव काउंसिल थे, इसमें इलेक्टेड मेंबर्स जाते थे, इसमें जो मेंबर्स होते थे वो इलेक्ट करके पीपल से आते थे. और इलेक्ट कौन करता था, जिसके पास पैसा होता था, जिसके पास संपत्ति होती थी, वही इलेक्ट करता था. और वो जो इलेक्टेड मेंबर्स में आते थे, वो इलेक्टेड मेंबर्स क्या करते थे, वो डायरेक्टली अपॉइंट करते थे. क्या अपॉइंट करते थे, डायरेक्टली अपॉइंट करते थे. और उस डायरेक्टरी में केवल एक व्यक्ति नहीं होता था, देयर वाज नॉट ओनली वन पर्सन. ठीक है, इस डायरेक्टरी में केवल एक व्यक्ति नहीं होते थे. क्यों, क्योंकि अगर एक व्यक्ति होते तो फिर वही रॉबेस्पियर जैसा कंडीशन, रॉबेस्पियर जैसा इसकी उत्पन्न हो जाता, जैसा रॉबेस्पियर ने अपने से रूल्स एंड रेगुलेशन बनाना शुरू किया था, वैसे ही वह व्यक्ति पावर में आता तो अपने अनुसार रूल्स एंड रेगुलेशन बनाना शुरू कर देता. उस पावर को एक हैंड में सेंट्रलाइज ना होने के लिए उन्होंने क्या किया, डायरेक्टली अपॉइंट किया. इन द डायरेक्टरी देयर वर 5 मेंबर्स, हाउ मेनी मेंबर्स वर देयर, 5 मेंबर्स. ठीक है, अब इस डायरेक्टरी में जो 5 मेंबर्स अपॉइंट किए जाते थे, और वो पांचों मेंबर्स बैठ करके डिसीजन लेते थे, निर्णय लेते थे, एंड इट वाज बिलीव दैट द डिसीजन कैन बी राइट. तो अब क्या हुआ कि डायरेक्टरी में जो 5 मेंबर्स अपॉइंट हुए थे, दे हैव आल्सो नॉट इक्वलिटी, उनमें भी यूनिटी नहीं होती थी. व्हेन दे टेकिंग द डिसीजन ऑफ दे, देन दे वर आल्सो नॉट यूनाइटेड टुगेदर. नाउ व्हाट हैपेंड, नाउ सी, डायरेक्टरी ऑफ द क्लैश है ना, डायरेक्टरी जो होती थी वो हमेशा क्लैश, मतलब हमेशा विरोध करती थी, या हमेशा क्या कर सकते उसको, क्लैश करती थी. डायरेक्टरी हमेशा क्लैश करती थी किसके साथ, लेजिस्लेटिव काउंसिल के साथ. ठीक है, जब डायरेक्टरी लेजिस्लेटिव काउंसिल के साथ हमेशा विरोध करती थी, जब डायरेक्टरी लेजिस्लेटिव काउंसिल का विरोध करती थी, तो लेजिस्लेटिव काउंसिल क्या करता था कि उस मेंबर को डिसमिस कर देता था, या उस डायरेक्टरी को डिसमिस कर देता था है ना. लेजिस्लेटिव काउंसिल उस डायरेक्टरी को डिसमिस कर देता था. ठीक है, एंड वेन द डायरेक्टरी डिसमिस ओके बाय द लेजिस्लेटिव काउंसिल, नाउ लेजिस्लेटिव काउंसिल अपॉइंट नेक्स्ट अदर मेंबर्स. अब लेजिस्लेटिव काउंसिल क्या करता था कि डायरेक्टरी के किसी मेंबर को अगर हटा दिया तो ये उसके स्थान पर दूसरे मेंबर्स को अपॉइंट करता था. ठीक है, बट इट वॉज नॉट गुड फॉर द कंट्री, ये देश के लिए अच्छा नहीं था. क्यों, क्योंकि इससे डायरेक्टरी में इनस्टेबिलिटी आ गई. डायरेक्टरी में क्या हो गई, इनस्टेबिलिटी आ गई, अस्थायित्व आ गया. इसमें कोई भी मेंबर्स लंबे समय तक नहीं रह सकता था. ठीक है, क्यों, क्योंकि हमेशा क्लैश की वजह से इसमें लंबे समय तक मेंबर्स नहीं रह सकते थे. बिकॉज ऑफ दैट इनस्टेबिलिटी केम. ओके, नाउ सी दिस इनस्टेबिलिटी ऑफ डायरेक्टरी गेव अ चांस, और इस इनस्टेबिलिटी की वजह से, डायरेक्टरी के इनस्टेबिलिटी की वजह से, इस डायरेक्टरी के इनस्टेबिलिटी की वजह से क्या हुआ, मिलिट्री डिक्टेटर के पावर में आने का चांस मिल गया. ठीक है, मिलिट्री के पावर में आने का चांस मिल गया. ठीक, और मिलिट्री डिक्टेटर क्या की पावर में आ गया, एंड दैट केम अंडर द नेपोलियन बोनापार्ट. ठीक है, जो मिलिट्री डिक्टेटर के रूप में थे, नेपोलियन बोनापार्ट. ओके, हेलो एंड वेलकम बैक अगेन इन क्लास. नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज वुमेन्स रिवोल्यूशन, वुमेन्स रिवोल्यूशन. ओके, नाउ यू हैव सीन दैट द रिवोल्यूशनरी टूक द एक्शन इन द फ्रांस, एंड बिकॉज ऑफ दैट दे वर एबल टू मेड देयर कॉन्स्टिट्यूशन, एंड बिकॉज ऑफ दैट दे वर एबल टू रिमूव द मोनार्की गवर्नमेंट फ्रॉम द कंट्री. ओके, बट इन दैट रिवोल्यूशन वाट रोल प्लेड बाई द वुमेन्स, नाउ वी आर गोइंग टू नो. Now see, women were active participants in the events which brought about many important changes in the French society. Actually, women thought that their involvement in the
revolutionary activities will be more profitable for the peoples of the third state. Okay, because you know that third state members were facing problem because of the imposing taxes and because of the some other reasons, you know. Okay, so what happened? They thought that revolutionary government improved their lives. They were making a revolution. Actually, जो औरतें थी वो revolution कर रही थी और revolution करने का उनका main उद्देश्य क्या था? वो सोच रही थी कि if they will make the revolution, then the government will improve their life. उनके जीवन में सुधार लाएगा. अब हमें ये जानना है कि what was the condition of women in the France? Actually, student, you should know that the women were doing work. Okay, they were doing the work in the country for earning their livelihood. कुछ औरतें थी जो सिलाई कढ़ाई का काम करती थी, है ना? कुछ औरतें थी जो कि लेबर का काम करती थी, कुछ औरतें थी जो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस में काम करती थी, है ना? तो दे वर अर्निंग लाइवलीहुड. ओके, दे वर अर्निंग लाइवलीहुड. ओके, और चूंकि उनका कंडीशन क्या था, चूंकि दे वर बिलोंग टू थर्ड स्टेट, सो दैट देयर कंडीशन वॉज वेरी पुअर. तो अब क्या था कि जब उनका दे थॉट दैट द गवर्नमेंट विल इम्प्रूव देयर लाइफ. ओके, उनके जीवन में अगर सुधार आएगा तो वो कौन लाएगा? गवर्नमेंट लाएगा. कौन सी गवर्नमेंट? रिवोल्यूशनरी गवर्नमेंट. ठीक है, अब एक चीज और हम ध्यान देते हैं कि एक्चुअली इन द फ्रांस वुमेन डिड नॉट ऑल्सो हैव अ राइट टू गेट द स्टडी. ओके, मतलब कि जो थर्ड स्टेट की औरतें थी वो पढ़ाई नहीं कर सकती थी. दे वेयर डिनाइड फ्रॉम द एडुकेशन. ठीक है, अब वो पढ़ाई नहीं कर सकती थी. आखिर पढ़ाई करता कौन था? तो ओनली द नोबल्स, ओनली द वुमेन एंड गर्ल्स, दोज वेयर बिलोंगिंग टू द नोबल्स फैमिली, दे वेयर गोइंग टू गेट द स्टडी एंड गेट द एडुकेशन. ओके, केवल वही शिक्षा प्राप्त कर सकती थी. बाकी जो थर्ड स्टेट के औरतें थी उनको शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार नहीं था. वो किसी, चाहे वो नोबल फैमिली की हो या किसी थर्ड स्टेट मेंबर्स बिलोंग करती हो, दे वर नॉट अलाउड, सॉरी दे डिड नॉट अलाउ टू गेट मैरी अकॉर्डिंग टू द चॉइस. अपने पसंदीदा शादियां, सॉरी अपने पसंद की शादियां करना थर्ड स्टेट के वुमेन्स को अलाउ नहीं था. अब आगे देखते हैं. वुमेन्स हैव टू टेक केयर फॉर द फैमिली. वुमेन्स ऑल्सो नॉट बिजी टू डू द वर्क. ओके, टू अर्न देयर लाइवलीहुड दे हैव टू टेक केयर ऑफ देयर फैमिली मेंबर्स. ओके, दे हैव गॉट द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू टेक केयर देयर फैमिली मेंबर्स. दे वर ऑल्सो टेकिंग केयर देयर चिल्ड्रेन. वो अपने बच्चों की भी देखभाल करती थी, अपने परिवार की भी देखभाल करने की जिम्मेदारी औरतों पे थी. देयर वेजेस वर वेरी लो देन द मैन. कहने का मतलब उसमें जो फ्रांस में औरतें थी, है ना, दे वर डूइंग वर्क बट दे डिड नॉट गेट द इक्वल वेज. ओके, मैन गॉट द हाई वेज एंड वुमेन गिवन वेरी लो वेज. ओके, आफ्टर दैट व्हाट हैपेंड, बाय दिस प्रॉब्लम द वुमेन स्टार्टेड देयर ऑन पॉलिटिकल क्लब. नंबर ऑफ वुमेन स्टार्टेड देयर ऑन पॉलिटिकल क्लब एंड न्यूज पेपर्स. बहुत सारी जो औरतें थी उन्होंने अपना पोलिटिकल क्लब बनाना स्टार्ट कर दिया. आपके पोलिटिकल क्लब क्या है? यू हैव नोन अबाउट द क्लब. क्लब एक ऐसी संस्था थी, ऐसा ऑर्गेनाइजेशन था जिसमें बहुत सारे लोग, है ना, एक विचार के लोग इकट्ठे होकर के अपने विचारों को व्यक्त कर सकते थे. ठीक है, तो उन्होंने क्या किया, औरतों ने, द वुमेन ऑल्सो स्टार्टेड देयर ऑन पोलिटिकल क्लब एंड न्यूज पेपर. ओके, लेटर ऑन नियरली 60 वुमेन्स क्लब केम अप इन डिफरेंट फ्रेंच सिटी. नंबर्स ऑफ द पॉलिटिकल क्लब केम इन टू द एग्जिस्टेंस. बहुत सारे वो पॉलिटिकल क्लब बिलोंगिंग टू द वुमेन केम इन टू द एग्जिस्टेंस. एंड नाउ सी नेक्स्ट, द सोसाइटी ऑफ रिवोल्यूशनरी एंड डेमोक्रेटिक वुमेन वॉज मोस्ट फेमस. और जो क्लब बनाए गए उस क्लब में ये क्लब जो है दैट वॉज वेरी
famous revolutionary and republic woman club was very famous, and that club had got the responsibility to raise the voice, to put the demand in front of the government, okay, to get the equal right of the vote, to take the decision also. Actually, you know that in the France, women did not have a right to give the vote, okay, they did not have an equal right in the society, so that women had put their demand to get the equal right. They also put their demand to get the right to vote. Because of that, they could take the participation in the activities of the government. Okay. Now, we are going to know about the time when the condition of women improved. Actually, now see, revolutionary government introduced law to improve the life of women. When revolutionary government ruled, during the time that government made numbers of the improvement in the law, that could provide the best condition, or that could make the good condition of the woman. Actually, you have seen the previous topic that women do not have a right to get the education. Women do not have a right to get married according to their choice, and women also do not have a right to give divorce. Okay, only man have a right to give the divorce. Aadmi hi divorce, aadmi ke paas divorce ka adhikar tha. Ladkiyan school mein pad nahi sakti thi, wo apni ichha anusar shaadiyan nahi kar sakti thi. Okay, and you have seen also they have given the responsibility to earn the livelihood and to take care of their children. But as the revolutionary government came into the power, after that the government made some law that could improve the life of women. Now see, schooling made compulsory for all girls. When the revolutionary government came into the power, then that government made compulsory for all girls to get the education. Sare ladkiyon ko, chahe wo third state ki ho ya first state ki ho, everyone have got the right to get the education. Okay. Next, see, father could not force the girls to get married against their will. मतलब अब जो parents हैं, जो पिता है या जो father है, you can say father could not force. अब जो पिता है वो force नहीं कर सकते लड़कियों पे कि वो अपनी इच्छा के विपरीत शादी करें. ठीक है. Now girls cannot be forced to get married against their will. अपनी इच्छा के विपरीत जाकर के शादी नहीं कर सकती थी, वो अपनी इच्छा अनुसार शादियां कर सकती थी. मतलब लड़कियां अपनी इच्छा अनुसार शादियां कर सकती थी. मैरिज वॉज मेड इन टू द कॉन्ट्रैक्ट फ्रीली एंड रजिस्टर्ड अंडर द सिविल लॉ. और जो शादियां होती थी, दैट वॉज स्टार्टेड टू बिकम रजिस्टर्ड अंडर द लॉ. अब जो शादियां होती थी वो क्या होती थी, उनका रजिस्ट्रेशन होता था. ओके, they got the marriage under the law. Okay. Divorce was made legal for both man and the woman. ठीक है, जो divorce था वो अब man and woman both दोनों के लिए क्या हो गया, legal हो गया. That became legal for both man and the woman. Woman could train job and businesses. Yes. Now that government started to give the training to the girls or women to get the job or to open their cottage industries, okay, to earn their livelihood. Okay, you should know that the women continued their revolution. Women also, you know that, have some problem. Because of that, they continued their revolution during the time of reign of terror. ठीक है, असल में जो औरतों का जो revolution था वो reign of terror तक लगातार कंटिन्यू बना रहा. ठीक है, और उसके बाद क्या हुआ कि ड्यूरिंग द रेन ऑफ टेरर गवर्नमेंट इशूड लॉ टू क्लोज द वुमेन्स क्लब. जब रॉबेस्पियर का गवर्नमेंट आया, जब फ्रॉम 1793 टू 1904 व्हेन द रेन ऑफ टेरर वाज इन द फ्रांस, ड्यूरिंग दैट टाइम गवर्नमेंट इशूड अ लॉ एंड द गवर्नमेंट मेड बैन टू मेक द क्लब टू द वुमेन. औरतों को, जो औरतों का क्लब था उसको उन्होंने क्या किया, बैन लगा दिया. एंड ही ऑल्सो रेस्ट्रिक्टेड दैट पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेन इन द पॉलिटिक्स. नेक्स्ट इज मेनी वुमेन अरेस्टेड एंड एग्जीक्यूटेड. ओके, एक्चुअली यू नो दैट वेन
द वुमेन्स क्लब क्लोज्ड ओके आफ्टर दैट द वुमेन डिड नॉट स्टॉप देयर रिवोल्यूशन दे कंटिन्यूड देयर रिवोल्यूशन एंड बिकॉज ऑफ दैट सम वुमेन अरेस्टेड ओके एंड दे एक्सक्लूडेड एक्सक्लूडेड मतलब होता है उनको जेल से मार देना एंड दीज वुमेन Besides getting the advancement in the revolution, many women's revolution, but besides that, women continued their revolution and their revolution in other countries from the 19th century to till the beginning of 20th century, 19th शताब्दी से लेकर के 20वीं शताब्दी के प्रारंभ तक लगातार ये वुमेन्स का रिवॉल्यूशन क्या हुआ कंटिन्यू चलता रहा ठीक है और लगभग ये रिवॉल्यूशन कितने सालों तक चला 200 सालों तक व्हाई दिस रिवॉल्यूशन कंटिन्यू टू गेट द राइट टू वोट टू गेट द राइट टू वोट ठीक है वोट देने के अधिकार का डिमांड लगातार 200 सालों तक वुमेन्स के द्वारा होता रहा एंड एट लास्ट इन द फ्रांस इन 1946 वुमेन got the right to vote और अंत में 1946 में जाकर के जो फ्रांस में वुमेन थी दे वे आर एबल टू गेट द राइट टू गिव द वोट ओके